अभी तो थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे काम करने दो। नहीं मम्मा अभी चाहिए, मम्मा प्लीज दे दो प्लीज प्लीज। चलो थोड़ी देर देखना, मिले से थोड़ी देर, ओके फिर जाइए बैठ जाइए। बेटा खाना बन गया है, खाना खा लो ठीक है, अब फोन थोड़ी देर रख दो। बेटा फोन रखो, खाना खाओ अभी नहीं। अच्छा चलो थोड़ी देर रखा है, खाना खा लेना, मैं अभी आ रही हूँ। अरे ये खाना अभी तक ऐसे ही रखा है और फोन के चक्कर में खाना नहीं खाया है। नहीं आप फोन लीजिए, नहीं देखो, चलो फोन रखो। नहीं प्लीज। अच्छा चलो फोन देखते देखते खाना खाओगे। अरे 5 o'clock बज गए बच्चे, आद्या के पढ़ने का टाइम हो गया है। आद्या कितनी देर हो गई, आप अभी तक मोबाइल देख रहे हैं? लो चलिए होमवर्क भी तो करना है, कल को स्कूल जाएंगे तो फिर मैम नहीं मैम डांटेगी ना आपको। स्कूल नहीं जाना, नहीं आपको होमवर्क करना है ना पहले। चलिए फोन छोड़िए, फोन छोड़िए, बस 5 मिनट बहुत ही। आपको कितने 2 hours हो गए ना, देखते देखते आपने लंच भी कर लिया फोन देखते देखते। चलिए पहले होमवर्क करेंगे। मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं स्कूल तो जाना है ना, आपको जीनियस बनना है ना। हम जीनियस कैसे बनेंगे, तभी तो बनेंगे जब हम पढ़ लिख लेंगे ना। चलिए फोन करिए, फोन की फाइल। अच्छा नहीं फोन दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। देखिए ऐसी जिद नहीं करते, चलिए होमवर्क करिए। नहीं चलिए आद्या प्लीज, आद्या चलिए होमवर्क करिए, कल को मैम डांटेंगी आपको। अच्छा चलिए मैंने म्यूजिक चला दिया, आप होमवर्क करिए, चलिए फास्ट होमवर्क करिए। नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा है ना, इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे, स्कूल जाकर ही तो हम इंटेलिजेंट बनते हैं। अरे मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया है, जरा देखूं तो क्या आया है। शोमी, अरे आद्या तुम तो फेल हो गई, क्या हुआ आद्या कैसे? अब मैं इसलिए मना कर देती थी कि आप फोन मत देखिए, ऑल टाइम आपको फोन चाहिए। पक्का प्रॉमिस? आपको पता है क्या होगा, आप उसी क्लास में रहना पड़ेगा, आपको सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सब नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे और आप इसी क्लास में रह जाओगे, कितनी गलत बात है। पक्का प्रॉमिस? चलिए बैठिए, और इस बात को प्रॉमिस कराया अब आप नेक्स्ट टाइम आप फोन नहीं देखेंगे। अरे सोने का टाइम हो गया, सो गई। चलो देखो शूज भी वो नहीं करे इस लड़की ने। अरे आद्या क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरी आईज में बहुत पेन हो रहा है। दिखाओ इधर, दिखाओ, ओपन ओपन योर आईज। अरे ये तो रेड हो रही है। अरे आप फिर मोबाइल देख रही थी, बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर लो। चलो लाइए डॉक्टर को फोन करके देखते हैं, देखो इस समय डॉक्टर मिलेगा भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। डॉक्टर साहब उनकी आंखों में क्या हो गया है, रेड कैसा हो गया है? रेड आपकी आईज, फोन यूज करा था आपने? हाँ पूरा दिन फोन देखती है, कहने ही नहीं मांगती है मुझे। लेकिन सर आईज पता है डैमेज हो जाएगी, आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों करती हैं आप, फोन क्यों यूज करती हैं? हाँ फोन नहीं यूज करना है, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। देखो अब हो गई ना, हो गई आँख खराब।
इनकी तो आज ड्रेस ही करना पड़ेगी। अरे मजबूरी हो गई था लगानी, आपने कहने ही नहीं माना। मैं मम्मा का मम्मा हमेशा मना करती हैं आपसे फोन नहीं करना है ज्यादा। आपकी आइस लगाना ही पड़ेगा, ऐसी नहीं होगी, लगाना पड़ेगा। आपको आइस में इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा मैम। नहीं इंजेक्शन ऐसे दर्द नहीं होगा, दर्द तो होगा, मैंने फोन यूज करा है। चलिए अब आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेगा, और ये थोड़ा दर्द होगा, बस बस हो गया। आपने इनको कैसे फोन यूज करने दिया, ऐसे इनकी अभी वन आइज हो रही डैमेज, अब दूसरी आइज भी हो जाएगी, स्ट्रीट लाइट हो जाएगी। आगे से आपको इनको फोन नहीं देना है, और मुझे और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कोई अपने बच्चों को फोन यूज करने नहीं देंगे, और इतना ही पैम्पर करें जितना उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। मैं यही बात कहूंगी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैम की बात सभी लोग ध्यान से सुने और इस बात पर अमल करें।